بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا नहमदह नसूल करीम अम्माबाद नाजरीन बड़ी तेजी से रमज़ानमबारक का एक हफ्ता गुजर गया आज सातवी रात है और सातवें जिस पर हम बात करेंगे पहले इस जुज में आए हुए मज़ामीन पर एक सरसरी निगाह डालते हैं फिर इसमें से कुछ आयतों को लेकर तफसील से गुफ्तगू करते हैं पहली आयत में शख्सियत का ये पहलू हमारे सामने आता है आपसे भी ये सवाल है कि क्या जब क़ुरान मजीद की तिलावत आपके सामने की जाती है तो क्या आपका दिल पिघल जाता है क्या आपके अंदरूनी जज्बात का इजहार आंख के आँसुओं से होता है जो इंसान के दिल की नरमी का एक इज़हार है नसारा के अच्छे लोगों का तस्करा करते हुए क़ुरान ने बताया कि उनके सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नाज़िल करदा किताब की आयतों की तिलावत फरमाते तो वो हक़ को पहचानने के नतीजे में रो पड़ते उनके जज्बात उमड आते ये इंसानी शख्सियत का बेहतरीन पहलू है कि अल्लाह का कलाम सुनने के बाद दिल के अंदर नरमी पैदा हो और रिक्क़त पैदा हो शख्सियत का दूसरा पहलू ये है कि इंसान अपने अक्ल की बुनियाद पर रास्ते तलाश नहीं कर सकता उसे डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है उसे इलाही तालीमत की ज़रूरत है इस सूरत के अंदर अल्लाह तबरक़ ने हिलत हरमत के बहुत से अहकाम बयान किए और ये भी बताया कि शैतान की तमन्ना ये है कि हलाल को हराम और हराम को हलाल करें मुसलमानों को इससे बचने की तालीम दी गई और हलाल हराम के सिलसिले में वाज तलीमत पेश की गई मुसलमानों को बताया गया कि उनकी शख्सियत रैशनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए रैशनल माइंड होना चाहिए और रैशनल माइंड का एक एक्सप्रेशन ये है कि वो सवालत खड़े करता है कभी कभी अपने आप पर भी सवाल करना होता है कभी कभी हमारे समाज और माहौल में पाई जाने वाली रिवायात पर भी क्वेश्चन करना होता है अकल से भी जवाब मिलता है क़ुरान से भी जवाब मिलता है मुश्रकिन का मामला ये था कि जब उन्हें इस्लाम की तालीमत दी जाती तो वो कहते थे कालू हसबुना मा वज़दना वजद ना हमारे लिए यही बात काफ़ी है कि जिस रास्ते पर हमारे आबा अजदाद चले जा रहे थे हम उसी की इतबा करेंगे कुरान कहता है अवल काना आबा उहमला यामोना शे वला तदून क्या तुम्हारे बाप दादा अगर बातों का सही इल्म न रखते हो और राह रास्त पर ना हो तब भी उन्हीं के नक्श कदम पर चले जाएंगे। तो ये दूसरा पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है एक तरफ रिक्क़त कलबी हो तो दूसरी तरफ आदमी के अंदर रैशनैलिटी मौजूद हो और अक़ल से वो काम ले ये बात सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हमने अपने बड़ों को पाया इसी तरह से इसलिए हम भी यही करेंगे बड़ों की तरफ से गलती हो सकती है सोचने में समझने में चीज़ों को पाने में लेकिन एक अक्लमंद आदमी अपने हालात में अज्सर न गौर फिक्र करता है फिर ये भी बताया गया कि तुम अगर राह रास्त पर हो तो तुम्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कोई और तुमको गुमराह नहीं कर सकता या अयो लदीना आमनो अलईकुम अनफुसकुम ला दरुकम मंज इज़ाह तदय तुम अए वो लोगों जो ईमान ले आए हो तुम्हें अपने नफ्स की फ़िक्र करनी चाहिए अपने नफ्स पर वाचफुल रहें बी वॉचफुल ऑफ योर ओन सेल्फ और ये भी बताया गया कि नो वन कैन मिस लीड यू अगर हम अपने आप के निगहबान हों तो फिर हमारे मन के अंदर किसी और का अमल दखल नहीं हो सकता उसके बाद हजरत अलैहिस्सलाम के बायोलॉजिकल मिराकल्स का तस्करा आया मैंने इससे पहले ही बताया था कि हर नबी अपने ज़माने के ऑप्टिमम टैलेंट के साथ आते थे उनकी सलाहियतें अपने ज़माने से बहुत आगे होती थी हज़रत ईसा आसमाम ने बहुत से मोजिज़े दिखाए आपने मिट्टी का परिंदा बनाया और अल्लाह ताला के तजन से उसे उड़ा दिया मुर्दों से कहते कम्ब इजन तो अल्लाह के ईजन से खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता जो पैदाइशी अंधे होते उनकी आँखों पर मसाह फरमाते तो उनकी बीनाई लौट कर आती ये और इस तरह के बहुत से मोज़े उनसे सादिर हुए उन सब का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और आखिर में उनका जो लास्ट सफ़र है आखिरी जो दावत थी उसका ज़िक्र है जिसमें उन्होंने अपने हवारीयों को तालीमात दी थी मैंने जो कहा कि एक मोमिन की पर्सनालिटी का अहम जुज़ यह है कि वो इंटेलेक्चुअल होता है रैशनल थिंकिंग होती है क़ुरान कहता है कि नबी अलैहि वसल्लम कुरान तुम्हारे सामने जो पेश करते हैं उसकी तालीमत क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है ये समझने के लिए कि यह हक बात है तुम्हारा मुतालबा के मोजात हों करामतें हों इसके बजाय आप अलैहि वसल्लम के कलाम पर अक्ल से ग़ौर करो तो तुम्हारे लिए बेशुमारे रहनुमाय मौजूद है जिन्होंने अपनी अकलों को बंद कर लिया हो उस पर सील लगा लिया हो उनके बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर तीन मरतबा क़यामत का तस्करा करके बताया कि वो पछताएंगे वो अफ़सोस करेंगे जब उन्हें सज़ा दी जाएगी तो उनसे पूछा जाएगा क्या तुमने रसूलुल्लाह के कलाम पर ग़ौर नहीं किया क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे क्या तुम्हारे पास किताब नहीं आई थी क्या तुम्हारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें नहीं आई ये जो साइकिल ऑफ सफरिंग और एडवर्सिटी है क्या उससे तुम नहीं गुजरे क्या उस वक्त भी तुम्हें खुदा याद नहीं आया क्या उस वक्त भी तुम्हें रसूल की तालीमत बरहक नहीं मालूम है और तुम जिनको पुकारते हो जब तुम मुसीबत में आज फंसे हुए हो तो तुम्हारी मदद के लिए वो क्यों नहीं आते ये तुम्हारे टफ टाइम से उसमें भी तुम्हारे वो आखा जिनको तुम दुनिया में पूजते थे आज क्यों नहीं आ रहे हैं इस तरह उनकी अकल को अपील किया गया उनके सामने क्वेश्चंस खड़े किए गए और बताया गया कि मोजिजाद का इंतज़ार न करो कलामुल्ला पर गौर करो यह तुम्हारे लिए काफ़ी है समझने के लिए और जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते उनके बारे में कुरान ने कहा कि वो सहरा के मुसाफिर के मानंद हैं जो सहरा में भटक जाते हैं या जंगल में भटक जाते हैं उन्हें रास्ता नहीं मिलता और मुख्तलिफ लोग पुकारते हैं रास्ता इधर है और इधर है और उसमें हैरान और सरकरदा रहते हैं तो तुम्हारी मिसाल कहीं ऐसी ना हो जाए कि एक अल्लाह को छोड़ कर जिन, जिन की तुम इबादत करते हो वो ना तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं क़ुलना दो हमालना वाला याना आगे तफसील आयत चलती है फिर उसके बाद पूरे एक रुकू में हज़रत इब्राहिम आसमाम के दावती पहलुओं का तस्करा किया और मैंने इससे पहले भी बताया कि हज़रत इब्राहीम का जो आर्ग्यूमेंट का स्टाइल था जो डिबेट का तरीक़ा था वह आज हमारे नौजवानों को भी सीखना चाहिए इमोशनल अप्रोच नहीं रैशनल अप्रोच और पुष का तरीक़ा नहीं पुल का तरीक़ा यानि उनसे सवाल किया जाए हज़रत इब्राहिम ने सवाल किया कि तुम इसको खुदा मानते हो फलम जन्न अलह ला कह कबा तो कोई सितारा देखा तो पूछा कि इसकी तुम पूजा करते हो इसका देवता तुमने यहाँ बना रखा है इसका मंदिर तुमने बना रखा है इससे तुम किस्मतें पूछते हो तो क्या ये तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है देखो कुछ देर के बाद जब रात गुजर गई तो वह तारा डूब गया तो आपने अपने सेमिनार में कहा कि जो डूब जाते हैं उनकी क्या तुम पूजा करते हो वो तुम्हारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं किसी और शहर में चांद का मंदिर था और चांद का देवता होता था और सूरज की देवी होती थी तो उसका तस्करा किया हमारे मुफस््रीन ने यह भी लिखा है कि सूरज का देवता होता था और चांद की देवी होती थी तो सेमिनार में डिबेट में पूछा कि ये तुम्हारे खुदा हैं ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे ये कैसे तुम्हारी रहनुमाई कर सकते हैं जब ये खुद उर्जा जवाल का शिकार होते हैं ये खुद कभी तुलू होते हैं कभी गुरूब होते हैं ये खुद किसी की ग़ुलामी में चक्कर लगा रहे हैं जो चक्कर लगाते हो, जो तुलु और डूबते हो, वो तुम्हारी किस्मत को क्या संवार सकते हैं ये बहुत ही प्यारा तरीका है डिबेट का उनका इसमें बताया गया उसके बाद अल्लाह तबारक कि कायनात में बेशुमार बेशुमारशानियाँ जो फैली हुई उनका जिक्र किया और कहा कि उस पर ग़ौर करो इन फ़ालिकुल हब्बी वन्नवा दाना और गुटली से अल्लाह ताला पौधों और दरख्तों को कैसे उगाता है इस पर ग़ौर करो इस्बाह दिन को कैसे निकाल लाता है उस पर गौर करो वजा वजाअलासक़ना शम सम हस्बाना रात को बाय से तस्किन और सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद बनाया इन सब पर गौर करो तुम्हें पता चलेगा कि रसूल सल अल्ला वसम जिस बात की तालीम देते हैं वो बरहक़ है ख़वातिन हजरा ये आज के मजामी पर एक नज़र है अब हम इसी सूरत में से कुछ आयतों को लेते हैं और उस पर तफसील से बात करते हैं आयत नंबर नव से आगे की आयतें हैं जिसमें कहा गया या यादीन आमन ख़मर वलमसरु वलसाब वजलाम रिजुमिन शैतान फजताबूलाकुम तफलहून ऐमान लाने वालों, बेशक नशा आवर चीज़ें या शराब और जुवा और आस्ताने और से ये सब शैतान के गंदे अमल हैं पस इनसे बचो अगर तुम फलाह चाहते हो शैतानु मयूरीदाही तो नकमल अदावत वल फिल खमरी वल सर शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनियाँ पैदा करे आपस में बगज़ अदावत के अंदर तुम्हें मुब्तला करे हॉस्टिलिटी और हैट्रेड तुम्हारे दरमियान पैदा करे और व यद अन अल्ला व सलात तुम्हें अल्लाह जिक्र से और नमाज से रोक दे फहल अन तुम क्या अब भी तुम नहीं रुकोगे क्या अब भी तुम नहीं बचोगे व अति व अति रसूल व फ़िन तवल तुम फ़ालमु अन्नमसिनबलागुलबीन अल्लाह और उसके रसूल की इता करो डरो और अगर तुम रूगरदानी का रवैया अख्तियार करते हो तो जान रखो कि हमारे रसूल पर वाज़ेह तौर पर तुम तक पैगाम पहुँचा देना ये उसका काम है फिर कहा कि लई सदीन आमनु आमिलहति जुनाफ़ीमा तम इज़ाम तक आमनु व आमिल्लिहातीम्मत तक आमनुम्मत तक अहसन वब्बुलमुहसिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने लगे उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई गिरफ्त न होगी बशर्ते कि वो आइंदा इन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं और ईमान पर साबित क़दम रहें और अच्छे काम करें फिर जिस जिस चीज़ से रोका जाए उससे रुकें और जो फरमाने इलाही हो उसे माने फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया किए रखें अल्लाह ताला नेक किरदार लोगों को पसंद करता है ये आयतें शराब और नशा और जुए की हरमत से मुत्ल हैं इनकी थोड़ी तफसील बयान करेंगे फिर उसके बाद इसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम गुफ्तगु करेंगे कहा कि इनमर वलमसर ख़मर से मुराद क्या है अल अलमरु जो है असल में क़़म कहते हैं किसी चीज़ को छुपाने के इस तरह खुमार असल में उस चीज़ को कहा जाता है जिससे कोई चीज़ छुपाई जाए मगर उर्फ में ख़मार का लफ्ज़ सिर्फ़ औरत की ओर नहीं पर बोला जाता है जिसके साथ वो अपने सर को छुपाती है उसकी जमा खुमर आती है जैसा कि कुरान में बताया गया वमोर हिन्ना अला बिहिन्ना, औरतों से कहें कि वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ मार लें तो ओढ़नी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और यहाँ कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कब्र से मुराद शराब और नशा है बाज लोगों ने लिखा है कि अंगूर से बनाई जाने वाली शराब इससे मुराद है लेकिन मौलाना अमीन अहसन इस्लाम ने बहुत साफ़ तौर पर लिखा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है हर नशा आवर चीज़ जो अकल को ढाँप ले वो जो है वो ख़मर है अलमर इन नमल अमर वमयसर कुरान ने यहाँ कहा इस तरह से इसमें इंटॉक्सिकेंट्स वाइन्स और ड्रग्स शामिल हैं जिसे हम मुनशियात कहते हैं और दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वल वलमासर यह अल्यसर से निकला अलसर के माने आसानी और सहूलत के हैं उसर की ज़िद है कुरान में आया है यदल्लाबिकमुलयसरा वला युरीद उसर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता एक और जगह कुरान कहता है फल जारियाती युसरा जो नरमी से चलती है हवाएं उनका ज़िक्र है नरमी से चलने वाली हवाएं। यस्सर तो कज़ा के माने है। किसी काम को सहल कर देना आसान कर देना कुरान में आया है वल़द कुरान नुर्न जिक्र हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है, है कोई नसीहत हासिल करने वाला यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मैसर है कुमारबाजी जुवा सट्टा गैमलिंग ये सब युसर से मुश्त है क्योंकि कुमारबाजी में आदमी बिला तकल्लुफ बग़ैर मेहनत के आसानी के साथ माल हासिल कर लेना चाहता है इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इसमें दो बुराई का ज़िक्र है दो और बुराइयां का जिक्र है एक अनसाब आस्थाने और बुद और दूसरे पान से यानि फाल निकालना इन दो चीज़ों पर आज गुफ्तु नहीं करेंगे सिर्फ इन दो चीज़ों पर बात करेंगे जो नशा से मुतल है उनमें से एक वो नशा है जो इंजेक्शन बॉडी के अंदर लेने से खाने से या इंजेक्शन लेने से नशा आता है एक और जो डिसऑर्डर है वो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है इन दोनों पर हम इन शाला करेंगे ये याद रहे कि जिन जिन चीज़ों से भी नशा आता हो वो सब इस्लाम में हराम है वो पीने की चीज़ हो या खाने की चीज़ हो या सूंघने की चीज़ हो या इंजेक्शन लेने की चीज़ हो सब और इसी तरह जुवा जो आज के ज़माने में नए नए तरीक़े से हमारे सामने आए हुए हैं वो सब हराम है। जुवा और शराब ये शैतानी ईजादात में से हैं शैतान ने ये फितने इसलिए ईजाद किए कि इंसानों को इसमें लगा कर उनके दरमियान वो दुश्मनी पैदा करना चाहता है इंतकाम की आग भड़काता है चुनाचे ये हकीकत है कि जिस माशरे में ये वबा फैल जाए यानी शराब और जुए की उसमें इज्जत नामुस वफा हया ये सारे एहसास मिट जाते हैं इंसान जानवर बन जाता है जैसा कि आज मग़रब माशरे में भी हम देखते हैं और ज़दा सोसाइटीज़ में भी हम देखते हैं और आज इसका मुशाह हम कर रहे हैं ये बजाय ख़ुद एक अजीम हादिसा है इंसानियत के लिए उसके साथ साथ दुनिया में जो जंग जदाल देख रहे हैं उसके पीछे भी शराब और जुवा इसकी कार फरमाई है शराब के नतीजे में जो फ़ैसले लेते हैं पर जब नशा छा जाता है तो उसके नतीजे में गैज़ व गज़ब का जज्बा पैदा होता है शैतान दुश्मनी पैदा कराता है लड़ाई झगड़े पैदा कराता है तो आज की लड़ाइयों के पीछे भी शराब और जुवा इन दोनों का भी अमल दखल है इस्लाम के सिलसिले में जो दुश्मनियाँ हैं उसमें भी अगर ग़ौर से आप देखेंगे तो जुवा भी एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है शराब भी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है इन दोनों के साथ शराब और जुए के साथ और बहुत सी बुराइयां लगी हुई हैं और आज दुनिया में ये सारी चीज़ें चूँकि बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई हैं इसलिए इस्लाम की तलीमत से उन्हें नुकसान होता है इसलिए वो इस्लाम के मुखालिफ हैं इस्लाम से वो दुश्मनी कर रहे हैं क़ुरान कहता है कि सबसे पहले शराब के बारे में हुक्म आया यस अलूना का अनिल ख़मरी वमासर शराब के बारे में और जुआ के बारे में लोग पूछते हैं कुल्फी हिमा इस्मुन कबीरू व मनाफी उलन्नास उन्हें बता दें कि इसमें बड़ा गुना है और लोगों के लिए कुछ नफ़ा भी है व इसम अकबर में नफ़ हिमा और उसका गुना उसके फायदे पर भारी है देखिए नफ़ा और ज़र्र दोनों को कंपेयर नहीं किया गया नफ़ा और इसम को गुनाह को कंपेयर किया गया नफ़ा हो सकता है कि वक्ती हो इसम जो है एक स्पिरिचुअल आइटम है रूहानी तौर पर जब इंसान खुदा के रास्ते से हट जाता है नाफरमानी करने लगता है रूहानी बुलंदी के बजाय नीचे की तरफ़ जाने लगता है तो वो गुनाह करता है तो हो सकता है कि कुछ दुनियावी फ़ायदा वक्ती फ़ायदा उसमें हो तफसीरों में लिखा हुआ है कि उस ज़माने में लोग शराब पीते जुवा खेलते और जुए में अगर जानवर जीत जाते तो उसे कुर्बान करते और गरीबों में तकसीम कर देते तो कोई ये कह सकता है कि शराब और जुवा से फ़ायदा तो हुआ गरीबों का तो कुरान ने कहा कि कुछ नफ़ा तो हो सकता है लेकिन उसका गुनाह उसके नफा पर भारी है तो पहले तो इंटेलेक्चुअली ये समझाया गया कि शराब जो है एक स्पिरिचुअल ईवल है एक रूहानी बीमारी है और एक बंदे मोमिन अपनी रूह की हिफाज़त करता है अपनी रूहानियत के बारे में फ़िक्रमंद होता है और कभी वो काम नहीं कर सकता जिससे उसके रूहानियत के अंदर जवाल आए और यह भी है कि जब आदमी शराब के नशे में होता है तो जो कुछ कहता है उसे उस पर कंट्रोल नहीं होता दूसरी जगह कुरान ने कहा या अल्दीन अमनुल्ला तकरबा सुकारा हत्ता सकारा मा तक़ूलून अय अहले ईमान नशे की हालत में नमाज़ के करीब न जाओ इसलिए कि जो कुछ तुम कहते हो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो शराब की हालत में नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बाद लोगों ने लिखा कि ये शराब की हरमत की मंजिलें हैं बतदरीज शराब को हराम किया गया बाज़ मुफ़सरन तदरीज का माना नहीं लेते बल्कि तीन आयतों में तीन डायमेंशंस बताए गए पहले आयत में उसका जो स्पिरिचुअल ईवल होना वो बताया गया है दूसरी आयत में बताया गया है कि इंसान के, के दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं होता जब वो शराब के नशे में हो उसके नतीजे में नमाज़ में अगर जाएगा तो जो कुछ वो खुदा से बात कर रहा है कलाम कर रहा है कुरान की तिलावत कर रहा है दुआएँ पढ़ रहा है उसे अंदाज़ा नहीं होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहा है और तीसरी आयत में उसका सोशल एस्पेक्ट बताया गया तो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताया गया और उसका रिलीजियस एस्पेक्ट बताया गया उसका सोशल एस्पेक्ट बताया गया कि वो आपस में तुम्हें लड़ाता है झगड़ा कराता है ये जो दो चीज़ें हैं शराब और जुआ इससे रिलेटेड पर्सनालिटी के दो डिसऑर्डर्स हैं मौजूदा दौर में साइकोलॉजिस्ट इसे डिसऑर्डर कहते हैं इसे बीमारी मानते हैं एक तो है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर और एक है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। यानी दोनों नशा आवर चीज़ें पीने का जो नशा है उसके नतीजे में ये यू डी होता है और ड्रग्स के नतीजे में एस यू डी होता है ये दोनों नशा के नतीजे में शख्सियत के अंदर ज़बरदस्त खराबी आती है और उसका एडवर्स असर पड़ता है सोशल ज़िंदगी पर ऑक्यूपेशन पर इंसानों के हेल्थ पर और जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उन्हें अल्कोहल एडिक्शन कहा जाता है जिसे हमारी आम जुबान में अल्कलिज़म भी कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ये ब्रेन डिजॉर्डर माइल्ड भी हो सकता है मॉडरेट भी हो सकता है सीवियर भी हो सकता है इसी तरह से ड्रग एडिक्शन एस यू डी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ये भी एक बीमारी है ये भी इंसानी जहन को मुतासर करती है और इससे इंसान का बिहेवियर बदल जाता है और उसके नतीजे में जब आदमी नशा का आदि हो जाता है तो ज़िंदगी पर उसका कंट्रोल नहीं होता वो नॉर्मल काम नहीं कर सकता इसमें बाज़ ड्रग्स लीगल हैं बाज़ ड्रग्स इलीगल हैं जो लीगल हैं उनमें से बाज़ मेडिसन्स भी होते हैं बहरा हमें मालूम होना चाहिए कि गुड एंड बैड का एक तसवर इंसान के जहनों में हमेशा से रहा है एक साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और ये बताया है कि बैड जो है वो गुड पर हावी है उसके अंदर ज़्यादा मकनातीयत है उसमें ज़्यादा कशिश है बैड जो है वो इंसानों को ज़्यादा कंट्रोल करता है और नेकी पर चलने के लिए इंसान को कोशिश ज़्यादा करनी होती है ये गुड एंड बैड बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं और आज की दुनिया में आप देख सकते हैं कि वाक़ता बुराइयाँ वो आसान ही उनमें कशिश ज़्यादा है वो इंसानों को दबोच लेती हैं और नेकियों की तरफ़ जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है बड़ी कोशिशें करनी होती हैं गैमलिंग डिज़र ये एक ऐसा डिज़ॉर्डर है जिसमें कोई चीज़ आदमी कंज्यूम नहीं करता अपने बॉडी के अंदर लेता नहीं लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक ज़बरदस्त बीमारी आ जाती है जिसे चेजिंग कहते हैं यानी यह है कि खेलने जाता है फिर अपने काम पे आता है फिर उसका जहन होता है कि खेलने जाए फिर आता है फिर भागता है खेलने के लिए तो मुसलसल वो भागते रहता है और जितना वो हारते जाता है उतना उसके अंदर हवस बढ़ती चली जाती है और माशी तौर पर जब वो जवाल का शिकार हो जाता है और उसकी मीशत तबाह हो जाती है तो मज़ीद जुवा इसलिए खेलता है ताकि उसका जो इकनॉमिक लॉस हुआ कोई उसे बेल आउट कर सके कहीं से उसे एक बड़ी रकम मिल जाए जुए के ज़रिए से ताकि वो हारी हुई रकम या जो जोशी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके ये एक ऐसी बीमारी है जिस चक्कर में इंसान फंस जाता है तो उसके बाद बाहर निकल नहीं पाता यह गुफ्तु तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आज की दुनिया में भी ये जो गैमलिंग डिजॉर्डर है इसके लिए ट्रेन प्रैक्टिशनर्स मौजूद नहीं हैं और शराब से निकालने के लिए भी ट्रेन प्रैक्टिशनर्स की कमी है ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी नई नस्ल को बचाना है और आम इंसान भी जो इसमें डूबे हुए हैं उन सब को निकालने के लिए हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है उस पर गौर करने की ज़रूरत है अफसोस ये है कि बहुत सा जो गैमलिंग है वो लीगलाइज़ किया गया है अमेरिका में तो बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है आज के ज़माने में बेटिंग ऑनलाइन बेटिंग होती है और गेम्स से मुतलिक बेशुमार बेटिंग्स होती हैं और ऐप्स में जो गेम्स खेले जाते हैं उसमें भी बेटिंग होती है और बच्चे नादानी में भी कभी उसमें फंस जाते हैं और एक मरतबा ये बुराई इंसान को लग जाए तो इससे निकलना मुश्किल होता है खुवा हजरात मेरा अपना एक मुशाहिदा है वो ये है कि जितने बड़े गुनाह हैं उनका गुनाह और उनका अजाब आखिरत में जो होगा सो होगा लेकिन ये बात आप लिख कर रख लीजिए आप डीपली गौर करके देखिए आप सोसाइटी में अब्जर्व करके देखिए कि ये जितनी हुरमतें हैं ये मेंटल डिसऑर्डर हैं जो बंदा एक मरतबा शराब का आदि हुआ वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुआ जो बंदा गैम्बलिंग का शिकार हुआ वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुआ इसी तरह जिना है और दीगर जो जिनसी बेरा रवियाँ हैं इसका जो बंदा शिकार हुआ इसी दुनिया में उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वो मेंटल डिसऑर्डर है और उससे निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है और निकल नहीं पाते ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और जीते जी दुनिया में लोग मर जाते हैं सबके लिए बोझ बन जाते हैं किसी का कोई फायदा नहीं होता तो इसलिए इससे बचाना बहुत ज़रूरी है नई नस्ल को बचाना ज़रूरी है मोहल्लों में इस पर काम करने की ज़रूरत है और मालूम होना चाहिए कि यह आदत क्यों पड़ती है एक तो एडवर्स चाइल्डहुड यानी बचपन में बाज हादिसे हो जाते हैं माँ बाप का इंतकाल हो जाना या स्टेप फादर या स्टेप मदर का आ जाना या गुरबत की वजह से घर के अंदर सख्ती को होना या ग़लत सोहबत में बचपन में पड़ जाना जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है शराब हो जुवा हो, होमोसेक्सुअलिटी हो या और बेरा रवैया हो बचपन में जो आदतें पड़ जाती हैं मुश्किल से निकलती हैं इसी तरह शराब और जुवा के नतीजे में मूड डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं और इंसान स्ट्रेस का शिकार जब होता है तो स्ट्रेस से बचने के लिए इसका आदि होता है इसमें मज़ीद डूब जाता है और जहां ये बीमारियां आती हैं आप गौर से देख सकते हैं कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है जिसमें लोग इस बीमारी के अंदर मुबतला हो जाते हैं या होमलेस जो लोग होते हैं उनके यहाँ भी ये मसाइल ज़्यादा होते हैं फैमिली वॉयलेंस मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिनके यहाँ होते हैं या जो जेलों में गुजार कर ज़िंदगी बाहर आते हैं उन सब के यहाँ ये प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं बाद लोगों ने जो रिसर्च किया है उन्होंने बताया है कि ये दोनों जो डिज़ॉर्डर्स हैं एक है अल्कोहल डिज़ॉर्डर दूसरा है गैमलिंग डिजॉर्डर उसके साथ जो कोम है वो है डिप्रेशन ज़रूर ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जहन में डिप्रेशन के नतीजे में बहुत से जो केमिकल्स पैदा होते हैं उसकी स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं उसके नतीजे में इंसान इम्पलसिविटी का शिकार हो जाता है और अपने काम पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और मूड स्विंग होने लगता है ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में हम देखते हैं सवाल ये है कि दुनिया इससे क्यों बच नहीं पाई उसका जवाब ये है कि देखते ही आप वेस्ट में भी कि ये बताया जाता है ये सब मालूम होने के बावजूद कि अमेरिका में एक लाख चालीस लोग सालाना जो है मौत का शिकार होते हैं शराब के नतीजे में 3.6 मिलियन ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट यानी यह है कि शराब के नतीजे में काम जो मुतासर होता है उससे साल में 3.6 मिलियन ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ ये ख़त्म हो जाता है 2015 से 2019 हज़ार की एक रिपोर्ट बताती है कि लोगों की ज़िंदगियां 26 साल से कम हो गई शॉर्ट एंड बाई ट्वेंटी सिक्स ईयर्स और हर पांच में एक मौत शराब की वजह से होती है उसके बावजूद वो कहते हैं कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये कि 1.2 टेबल स्पून ऑफ प्योर अल्कोहल उससे ज़्यादा अगर पिया जाएगा बिंज ड्रिंकिंग होगी या एक्सेसिव ड्रिंकिंग होगी तो उसके नतीजे में बीमारियां पैदा होती हैं डिजॉर्डर होता है ये वो कहते हैं और कहते हैं कि सब प्रेग्नेंट औरत नहीं पीना चाहिए 21 साल से कम उम्र बच्चे नहीं पीना चाहिए ये सारी बातें वो हैं जिसके नतीजे में इस बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाते हैं इस्लाम का जो मॉडल है प्रिवेंशन का वो अच्छी तरह से समझ लीजिए इस्लाम जो है सिर्फ बायोमेडिकल जो मेथड है उसको नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल अप्रोच या ये कह सकते हैं कि इस्लाम का जो अप्रोच है वो बायोसाइको सोशल अप्रोच है जिसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हैं और सोशल एलिमेंट्स भी हैं और अल्कोहलिज्म को रोकने के सिलसिले में इस्लाम दो अहम तरीन आइडिया देता है एक आइडिया ये देता है कि शराब तक पहुंचने के जितने और तरीक़े हैं उन सब पर पाबंदी लगा दी जाए शराब का बनाना शराब की खातिर अंगूर की खेती करना और शराब का बनाना निचोड़ना ट्रांसपोर्टेशन करना इन सब चीज़ों को इस्लाम नाजायज़ करार देता है जैसे ज़िना के बारे में कि ज़िना ही हराम नहीं है बल्कि ज़िना तक ले जाने वाले तमाम रास्तों पर वो खदगन लगाता है दूसरा ये है कि इस्लाम कहता है कि जो छोटी मकदार में हराम है वो बड़ी मक़दार में भी हराम है अल्लाह के रसूल वसल्लम) की, की हदीस है, कुल्लू शराबिन असकरफ हुआ हराम वो तमाम पीने की चीज़ जिसमें सुकर हो जिसमें नशा हो वो हराम है एक और जगह आपने फरमाया हर्रीमतुल्मर भी आई ना खलील हा हर नशा आवर चीज़ खा वो कलील हो या कसीर छोटी मकदार हो या बड़ी मकदार व शुक्र और नशा आवर चीज़ मीन कुल्ली शराब हर पीने वाली चीज़ में से जो नशा आवर है उसकी छोटी मकदार भी हराम है और उसकी बड़ी मकदार भी हराम है ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी यह नहीं है कि 1.2 पॉइंट टू टेबल स्पून तक ठीक है उससे ज़्यादा जायज़ नहीं है या औरतें नहीं पी सकती या इक्कीस साल से कम उम्र बच्चे नहीं पी सकते सब लिए हराम है इसके अलावा इस्लाम सोशल रिफ़ॉर्म ये बताता है कि जब आदमी नमाज का आदि होगा तो जहर के वक्त पिएगा तो असर नहीं पड़ सकेगा असर के वक्त पिएगा तो मग़रब नहीं पढ़ सकेगा मगरिब के वक्त पिएगा तो ईशा नहीं पढ़ सकेगा नमाज़ों का साइकिल अल्लाह ताली ने से रखा या आदमी को अलर्ट रहना पड़ता है अवेयर रहना पड़ता है शराब का की जो आदत है या शराब का जो आइडिया है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब बंद मुमिन नमाज का आदि हो जाए इसीलिए कुरान ने कहा शैतान तुमको अल्लाह ताला की याद से और नमाज से रोकना चाहता है इससे नशा का आदि बनाता है जो नशा छोड़ेगा या जो नशा नहीं करेगा वही बंदा वक्त पर नमाज पढ़ सकता है नशा और नमाज दोनों एक साथ नहीं चल सकते ये इस्लाम की तालीम है इसके अलावा इस्लाम जो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है वो एक सोसाइटी से वस्तगी कराता है सोसाइटी के मसाइल को हल करने पर तोज दिलाता है और इंसान को अगर स्ट्रेस भी हो प्रॉब्लम भी हो तकलीफ भी हो तो जब वो इंसानों के काम आता है तो उस वक्त वो सेहत पाता है मेंटल हेल्थ पाता है और स्ट्रेस से बचने के लिए उसे शराब और नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती ये वो बुनियादी बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत थी आखिर में की इंफ्लेंस ये है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है और समाज की जो बुनियादी इकाई है घर घर में इस पर बहुत मुतवजह होना चाहिए कि बच्चे बचपन में गलत सोहबतों में ना पडे माँ बाप इस पर निगाह रखें अच्छी आदतें उनके अंदर पैदा हो अच्छी सोहबतों में वो ज़िंदगी बसर करने के आदि बने तलबा तंजीम के साथ उनकी वाबस्तगी हो चिल्ड्रन सर्कल के साथ उनकी वी हो ताकि वो बुरी आदतों में ना पढ़ें बुरी लत में ना पढ़ें नंबर दो ये है कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि माशरे के अंदर काउंसिलिंग करें माशरे के अंदर जो लोग इस तरह की बीमारियों में मुबतला हैं उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करें और तीसरा ये है कि इसके लिए जो आज के ज़माने में ऑनलाइन जो मेथड्स हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए एक ऑनलाइन पोर्टल है वो है अनानिमस अल्कलिक पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क है कोई भी शराब के नशे से बाहर आना चाहे तो ये जो पोर्टल है वो उसकी मदद करता है ऐसे बहुत से पोर्टल्स बनाने की ज़रूरत है ऑनलाइन जो ड्रग एडिक्शन से निकालें और अल्कोहल एडिक्शन से निकालें और इंसानों की इन तमाम मेंटल डिसऑर्डर से निकाल सकें उसके लिए जो जदीद तरीक़े हैं और उसके साथ जो इस्लामिक मॉडल है जो तोहद पर बेस्ड मॉडल है उसकी बुनियाद पर काउंसलिंग के नए जो है थियोरीज को ईजाद करने की ज़रूरत है काउंसलिंग के नए मेथड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है इसलिए कि तोहद और इंसान जो रूह रखता है उसके रिकगनीशन से इंसानी मसाइल का हल आसान होता है और आसानी से इन शह इंसानों को बाहर निकाला जा सकता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें इन आयतों को समझने की तोफ़ी फरमाए और दुनिया से ये जो डिज़ॉर्डर्स हैं उन्हें निकालने और दूर करने में हमें अपनी सी कोशिश भी करने की तोफ़ी तह फरमाएं आमीन व आखिर दावाना अनहमदिल्ल